हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एचआर ट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग रेडमी पैड में स्पीड को और भी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, जो रेडमी पैड है वो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, लेकिन वो ऑलरेडी एनेबल नहीं रहता है, उसे हमें मैनुअली एनेबल करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर डिस्प्ले में आके आप इधर रिफ्रेश रेट जो ऑप्शन है यहाँ पर आप कस्टम पे सेट करके 90 हर्ट्ज पे सिलेक्ट कर देंगे। इससे तो आपका ट्रांजिशन जो स्पीड है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और ये ऑप्शन स्टेप के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको एक सेटिंग्स बदलना पड़ेगा। तो क्या है वो सेटिंग्स, चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स ऑप्शन पर, उसके बाद आप लोग चले जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स पर। एडिशनल सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा, डेवलपर ऑप्शन। अगर आपके टैब में ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो डेवलपर ऑप्शन को कैसे एनेबल करता है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना लिया है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको सीधा चले जाना है नीचे स्क्रॉल करके एनिमेशन स्केल पर, विंडोज़ एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। आप इन तीनों ऑप्शन को आपको 1x पर है, इन सबको आपको 0.5x पर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग इसको इस टैब को यूज़ करके देखेंगे दोस्तों, आपको 100% इसमें जो परफॉर्मेंस है और स्पीड है जो इस टैब का वो इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।